ISO. Whoa, let's get whoa, it. Whoa, 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 whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to लाया हूं 2023 वरना और जो पहले वाली फ्लूइडिक वरना थी इससे जस्ट एक जनरेशन पहले वाली, इन दोनों का कंपैरिजन तो इस वीडियो में हम वही आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको लुक दिखा देते हैं बिकॉज लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नई वाली का कंप्लीट डिजाइन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों ही कार्स आपको मिल जाएंगी, 2023 जनरेशन वाली वरना और उससे जस्ट पहले वाली वरना। तो लुक तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लुक है। इनकी जो नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है आइनिक, थोड़ा वैसा आपको मिल जाएगा। और जितनी भी अब नई कार आ रही है ह्यूंडई की, सब में आपको यही डिज़ाइन लैंग्वेज दिखने वाली है। बाकी ये रही पहले वाली वरना, आप इसको भी देख सकते हो। तो जो मेन हेडलाइट्स थी वो नीचे शिफ्ट कर दी गई हैं, तो हेडलाइट्स यहाँ पे आ गई हैं। और इसीलिए देखो फॉग लैम्प्स के लिए अलग से कोई जगह नहीं बची, ऑलरेडी जो हेडलाइट्स है वही इतनी नीचे हैं। कार की बात करें तो कार का जो लेंथ है वो भी बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा वाइड भी हो गई है। और इसीलिए जो अंदर का स्पेस है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, बूट स्पेस भी इंक्रीज़ हुआ है, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं। जो साइड मिरर्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं, थोड़े शार्प कर दिए गए हैं पहले से ज़्यादा। और ओवरऑल जो गाड़ी की बॉडी लाइन्स हैं उनमें ही आपको काफ़ी एक मस्कुलैरिटी मिलने लगी है। ये थोड़ी फ्लूइडिक वाली वरना थी तो उसी से इंस्पायर्ड था, एक ही बॉडी लाइन मिलती थी उसमें, तो भाई आपको जगह जगह कट्स मिल रहे हैं, क्रीजेस मिल रही हैं बढ़िया सी, ये देखो। और बैक से दोनों कार्स ऐसी लग रही हैं, देख सकते हो आप। तो जो टेल लाइट है दैट इज़ ऑल एलईडी। पहले वाली भी मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत थी, वरना नई वाली भी बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया है। रिम्स पहले वाले के थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, बट उसके अलावा हर एक चीज़ नई वाली की ज़बरदस्त लग रही है। और आप वाइडनेस देखो कितनी ज़्यादा वाइड हो गई है पहले से, ये देख सकते हो कितनी डिफरेंट लग रही है, कितनी प्रीमियम लग रही है। जो कार का स्टैंड है वही पूरा चेंज कर दिया गया है, डिज़ाइन में एक एक चीज़ चेंज की है पर्टिकुलरली ह्यूंडई ने। और ह्यूंडई जो भी अपडेट देता है पूरा ही चेंज कर देता है, जैसे कि उन्होंने i20 को किया और टूसॉन की, क्रेटा की, हर एक चीज़ एकदम चेंज कर दी है। तो वरना ही बची थी जो इस वाले फ्लूइडिक वाले डिज़ाइन में आ रही थी वो भी अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। और ये डिज़ाइन लैंग्वेज जो कनेक्टेड टेल लाइट है आगे से, आपने देखा ये आपको ह्यूंडई की आने वाली मोस्टली कार्स में मिलने वाली है। तो एक बार मैं आपको इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पुरानी वरना के इंटीरियर्स दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको नई वरना के इंटीरियर्स दिखाते हैं। तो पुरानी वरना के जो इंटीरियर्स थे, यार इतनी देर से मैं नई वाली वरना चला रहा हूँ तो ये थोड़ा डेटेड लग रही है, और ऊपर से पूरी जेट ब्लैक हो रखी है तो लाइट अंदर इतनी एंटर नहीं कर रही है। एंड आप देख सकते हो जो इसका डिस्प्ले था वो हल्का सा ड्राइवर ओरिएंटेड था, इतना नहीं था, मतलब ऐसा प्रॉपर ये ड्राइवर्स कार नहीं लगती। और जो साइज़ था वो भी काफ़ी अंदर से छोटा लग रहा है यार, केबिन स्पेस बहुत कम लग रहा है। स्टेयरिंग भी ये पहले वाला जो i20 में आता था एक्टिव में, वही आपको इस वाले में भी मिलता है। अब सब कुछ चेंज कर दिया, ऑल दो राउंड स्टेयरिंग है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं मिल रहा है आपको। तो ये है इसका डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले का लेआउट है काफ़ी हद तक आपको एक BMW जैसा लगेगा। जब ये नई नई आई थी मैं तो पागल हो गया था इस गाड़ी के लिए, बाकी पीछे तो भाई स्पेस था ही नहीं इसमें, मतलब आप देख रहे हो पीछे बहुत ही कम स्पेस था। और बाकी इस वाले में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हैं, सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर्स डेटेड लग रहे हैं क्योंकि अब मैं उसमें बैठ चुका हूँ। बहुत ही सेक्सी, बहुत ही क्लासी लग रही है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब चलते हैं नई वाली वरना दिखाते हैं आपको। और ये देखो, तो ये है नई वाली वरना एंड सनरूफ खुली है बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा आपको स्पीडोमीटर मिलता है, अंदर का जो एनिमेशन है डिस्प्ले ऑल वो आपको i20 की याद दिलाएगा, i20 हम ऑलरेडी चला चुके हैं। ऐसा इसके ड्राइव मोड चेंज होते हैं जिसपे आप इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये रेड हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट तो पूरा इंटीरियर ही है, हर चीज़ इंप्रूव ही हुई है। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त इंटीरियर लग रहे हैं, AC का 10/10 फ्लो है मैन, ज़बरदस्त इंटीग्रेट किया है पूरे इंटीरियर में AC को, बिल्कुल भी ऐसे अलग से नहीं दिखता है, स्टैंड आउट नहीं करता है, बढ़िया लगता है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, वो देखो वो जो इधर भी है, खैर उधर क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ये सब ब्लू जलते हैं, बहुत ही क्लासी, बहुत ही कूल। यहाँ पे आपको बोस की बैचिंग मिल जाएगी, दो बॉटल्स आप रख सकते हो आगे, भाई स्पेस तो भरपूर हो गया है वरना में। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, फुल साइज फोन फिट हो जाएगा। और पहले वाली वरना में वेंटिलेटेड सीट थी फॉर कूलिंग, दिस इज फॉर हीटिंग ऑल्सो। तो अब आपको जो सीट्स है उसमें हीटिंग एंड कूलिंग दोनों की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। डिस्प्ले भाई साहब, डिस्प्ले देखो, ये देखो बह रहा है लिटरली, क्या मक्खन डिस्प्ले कर दिया है भाई एकदम। और सेटिंग्स में जाते हैं, काफ़ी चीज़ें सब कुछ ही मिल जाएगा। डिस्प्ले ब्राइटनेस फुल कर रखी है, मैं यही देखने वाला था कि ब्राइटनेस कितनी है, तो अभी दिन है और एकदम प्रॉपर दिख रहा है, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया दी गई है इसमें। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये जो है ये कंट्रोल्स हैं, अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये AC के कंट्रोल है,
और मैंने एक टैप किया, अब ये हो गया, आप देख सकते हो मीडिया के कंट्रोल, मेरे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स बन गए। तो ये सारी चीज़ें जो नई नई कार्स में आ रही हैं यार, बड़ा कूल लगता है, लगता है अब अपने को भी एक कार लेनी ही पड़ेगी। ऑटो डिमिंग मिल जाती है, रियर व्यू मिरर में पहले वाली जो वरना है उसमें ए डैश नहीं मिलता, इसमें ए डैश मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं बाकी जो ह्यूंडई का कनेक्टेड टेक है वो मिल जाता है। बाकी ये वाली जो वरना है इसमें अगर आप की को होल्ड करोगे तो ये स्टार्ट हो जाती है, एसी चल जाता है, तो आपको ये पहले से ही बड़ी चिल्ड आउट मिलेगी, कूल मिलेगी मस्त एकदम। तो और यहाँ पे आपके बोस के स्पीकर मैं तो आपको दिखाई चुका हूँ, दो सब वूफर, एक सब वूफर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक पीछे मिल जाता है। अलावा इस बटन से आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा शुरू होगा और गियर नॉब चेंज कर दिया, तो जो गियर नॉब आपको क्रेटा में मिलता है वही वाला इसमें मिल जाता है। हैंड ब्रेक एक काम बहुत अच्छा किया, हैंड ब्रेक अभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलती है, ये 10/10 चीज़ है, मैं चाहता हूँ सारी कार में यही होना चाहिए, तो भाई ज़बरदस्त लग रही है एकदम। और उसके बाद जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, मोड का यहाँ मिल जाता है, ये आपका वॉइस कमांड का मिल जाता है, कॉल काटने और रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक ही बटन है, पहले वाले में दो दिखते थे रेड और ग्रीन, तो अब पता नहीं कुछ डबल टैप या कुछ ना कुछ तो किया होगा। बाकी यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद ये मेन्यू में ब्राउज करने के लिए, ये सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग, अगर ये आप ऑन कर दोगे तो ये अपने आप लेन एंड सारी चीज़ें मेंटेन करके खुद से चलेगी बढ़िया, स्पीड धीरे तेज भी कर लेगी आगे वाली कार को देख के। और उसके अलावा यहाँ पे एसी ऑफ का कुछ जो बटन से वो फिजिकल है, ये बहुत अच्छा काम किया यार, कुछ गाड़ियों में होता है ना एसी ऑफ करने का भी टच दे रखा है, तो ये सब बहुत अच्छा है कि इन्होंने फिजिकल बटन्स भी दिए हैं। ह्यूंडई ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी आप ये बटन देख सकते हो, आपका टेम्परेचर कंट्रोल करें, एक बार क्लिक कर दो अभी आपकी वॉल्यूम धीरे तेज करेगा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब किसी कार में फिजिकल बटन होता है वॉल्यूम धीरे तेज करने के लिए। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पसंद है कि कार में वॉल्यूम धीरे तेज करने के लिए एक फिजिकल बटन होना चाहिए? सीट्स बहुत ही ज़्यादा वाइड एंड कंफर्टेबल कर दिए, पीछे तो भाई जगह ही जगह है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मिरर बड़ी शार्प लग रहा है, और पहले वाले में आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं था, इसमें है, तो इसमें कोई भी आपके ब्लाइंड स्पॉट में होगा तो वहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है ये ग्लो करने लगेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपकी और दूसरे की सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड उसके अलावा ये भी खोल लेते हैं एक बार, तो ये डिसेंट साइज है, बाकी कूल ग्लव बॉक्स है, आप देख सकते हो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि कूल करना है कि नहीं करना है आपको। बाकी इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो ये स्टोरेज कूल नहीं है, ये नॉर्मल है, तो इसमें आप ड्रिंक रखोगे तो वो ठंडी नहीं रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, डिसेंट साइज बॉटल और कप को ये होल्ड कर लेंगे। और गियर नॉब तो भाई मतलब अब जो वरना है ना इसमें एक अलग ही प्रीमियम फील आ गया है। ऑल द जो इंटीरियर्स है वाइट है, अब ये देखना है कि ओवर द टाइम ये कैसे स्टैंड करते हैं, गंदे होंगे नहीं होंगे, वैसे ये इजिली साफ हो जाता है, जो मटेरियल है इसको आप हल्का सा उससे करो तो साफ हो जाता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड है ना आश्रय, उसके पास एक्सयूवी है तो वो ऐसे ही साफ कर देता है, हो जाता है आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के। बाकी जो सीट बेल्ट है उनको आप एडजस्ट कर सकते हो बड़े ही आराम से। और मुझे लगता है सब कुछ दिखा दिया, कुछ बचा ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा रिव्यूअर नहीं हूँ मैं कार का भी, बाइक में तो मैं कहूँ पिस्टन का भी आपको साइज़ बता दूँ, बट कार का मुझे अभी इतना बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट बीच बीच में एक दो कार के बढ़िया वीडियोस में डालता रहता हूँ, मैंने कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करेंगे, सो दैट्स वाई वी आर कंपेयरिंग दी ओल्ड वरना विद न्यू वरना। अब लाइट्स और अच्छे से दिख रही है, अबे भाई कितने सही लग रहे हैं यार, ये देखो जो मैं दिखा रहा था उस टाइम थोड़ा दिन ज़्यादा दिख नहीं रहा था क्लियरली, अब सही से दिख रहा है। एंड ये लाइट्स हैं, आगे से भी एक बार दिखा देते हैं लाइट जलते हुए, थोड़ी शाम हो गई है, ये देखो तो वो कंप्लीट DRL है भाई, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है, ऑल द वो भी अपनी क्लासिक वरना है, मस्त लग रही है। सो ऑलरेडी आप देख रहे हो कितने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड सो ये वीडियो था दोनों वरना का कंपैरिजन वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट पहनो, एंजॉय करो।